हेलो गाइस, क्या आप पोटैटो की रेसिपी के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो एंड तक बने रहिए इस वीडियो में। आपको पोटैटो की रेसिपी में बहुत अच्छी जानकारी देने जा रहा हूँ, बने रहिए साथ में एंड तक। सबसे पहले हमने पोटैटो ले लेने हैं जी। पोटैटो लेने के बाद इस तरह हमने गोल गोल से काट लेने हैं। गोल गोल काटने के बाद फिर इसको हमने बनाने हैं, बन रही है हिलता। वेल गाइस, हमारी बिल्कुल कटिंग तैयार होगी आलू की। इसको मैं जल्दी से फटाफट वीडियो को स्किप कर लेता हूँ ताकि आगे का प्रोसेस आपको मैं पूरा बता सकूँ। वेल, कटिंग हमारी तैयार होगी बिल्कुल आलू की। अभी हमने पूरा छिलके कर दिए, निकाल दिए, बन रही साथ में। अभी पूरा प्रोसेसर आपको आगे और बता। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं पोटैटो रेसिपी। सबसे पहले हम ये गैस को धीमी आंच पर चला लेते हैं, प्रेशर कुकर को इसके ऊपर रख देते हैं। वेल गाइस, हमारी रेसिपी थोड़ी देर में तैयार होने वाली है, बने रहिए साथ में एंड तक इस वीडियो में। बिना स्किप करें, बिना काटे को देखना नहीं तो आप जान नहीं पाओगे। एंड तक देखो इस वीडियो को। सबसे पहले हम रिफाइंड डाल देते हैं। हम ये रिफाइंड डालने के बाद अभी पोटैटो में डालने वाले हैं। हमारा हमने रिफाइंड डाल दिया इसमें है, तो रिफाइंड को हल्का सा हम गर्म कर लेते हैं। रिफाइंड गर्म करने के बाद अभी हम पोटैटो को इसमें डाल रहे हैं। पोटैटो हमने इसमें डाल दिए। एंड तक बने रहना ताकि आप जान पाओ कि कैसे बनाते हैं इस तरह का ये मसालेदार पोटैटो, घर में आप बना सकते हो खुद। ये पोटैटो हमने इसमें डाल दिए। इसका स्वाद अनुसार मसाला इसमें डाल देते हैं। एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच और डाल दिया हमने, लगभग 1.5 स्पून ले लेना धनिया पाउडर हमने। एक स्पून मिक्स मसाला डाल लेना है, आधा और डाल देना है जी, लगभग 1.5 चम्मच डालना है मसाला और धनिया पीसा हुआ। और इसके बाद हम डाल लेते हैं नमक। स्वाद अनुसार हमने इसमें नमक डाल दिया हमने, 1.5 स्पून नमक डाल देना है ताकि ज़्यादा ना हो जाए। कई लोग मसाला कम खाते, कई लोग कम खाते, ज़्यादा खाते। और इसके बाद इसको हम थोड़ा सा मैश कर लेते हैं ताकि मसाला पूरी तरह मिक्स हो जाए। ये हमने इसको मिक्स कर दिया है। वेल गाइस, बन रहा साथ में एंड तक। वेल गाइस, थोड़ा स्वाद अनुसार थोड़े इसमें टमाटर झोंक देते हैं ताकि ये बनने में आसानी रहे। और दूसरा जो है ना, नीचे जैसे पकते हैं ना, ये जले नहीं, इसमें पानी हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि टमाटर के अंदर पानी होता है इसका अपना। ये बनेगी इतनी भुजिया। इसमें टमाटर थोड़ा सा डाल देते हैं। ये दूसरा टमाटर इसमें डाल दिया हमने। इसको हम पूरा मिक्स कर लेते हैं। हमारे इसमें पतीली में आग कर रखे हैं ताकि ये जले भी नहीं। और भैया से हमारा आलू रेसिपी जो भुजिया हम बना रहे हैं, एक थोड़ा सा इसमें लगभग पानी डालते हैं मात्र भर। और इसको हम लगा देते हैं। ये इसको हमने सीटी के लिए लगा दिया है, घर पर प्रेशर 10 मिनट के लिए। और ये हमारे लगभग तैयार हो जाएंगे थोड़ी देर में। वेल गाइस, हमारे पोटैटो रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई खाने के लिए। अभी हम परोस रहे हैं प्लेट में। वेल गाइस, इस तरह का वीडियो को पसंद हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो ताकि इस तरह का आपके लिए वीडियो बना के लाता रहूं। बने रहिए साथ में। नेक्स्ट वीडियो में भी मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में।
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप अगर चाहते हो कि इस तरह का कुछ अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाऊं, हमें भी थोड़ी अच्छा मिलती है देखने में, हमारे सब्सक्राइबर को देखने में अच्छी खुशी मिलती है, तो हमें इस तरह का वीडियो और बना के लाऊंगा। बने रहिए साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।